ये सच है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी न्यासा देवगन को सिंगापुर यानी कि अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जब भेजी थी तो उन्हें बिल्कुल भी इसकी खुशी नहीं थी। वो कभी भी अपनी बेटी को खुद से दूर नहीं रखना चाहती थी। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी इतनी दूर चली जाए कि उन्हें देखने के लिए भी महीनों तक का वेट करना पड़े। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का स्टारडम, फिल्म इंडस्ट्री में एक्टर और एक्ट्रेसेस का स्टारडम स्टार किड्स पर, उनकी लाइफस्टाइल पर भारी पड़ता है। और ये आपने अक्सर ही देखा है कैसे काजोल अपनी बेटी न्यासा को लेकर बहुत दुखी रही हैं, जिस तरह से उन्हें ट्रॉल किया जाता है और जिस तरह से उन्हें लेकर, उनके ड्रेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स पास किए जाते हैं। काजोल की इस बात की नाराज़ भी रही, जिसके कारण अब्रॉड में उनके बच्चों को नॉर्मल ज़िंदगी मिले, नॉर्मल लाइफस्टाइल वो इंजॉय कर सके, उसके लिए उन्होंने बाहर भेजा। यह बिल्कुल सच है कि काजोल ये मानती है कि बाहर में उन्होंने अपने बच्चों को भेजने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में लिया है। कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को अपने परिवार से दूर नहीं करना चाहेगा, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चे घर परिवार से दूर जाए, कोई भी पेरेंट नहीं चाहेगा कि बच्चे और अपने माँ बाप से दूर रहना बच्चों के लिए खुशी का कारण बने। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा लाइमलाइट में बने रहना एक पेशा है, जिसकी वजह से बच्चों को माँ बाप से दूर रहना उनकी नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी रहा है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।